दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता हुआ जर्जर। सड़क में दिखाई दिए गहरे गहरे गड्ढे, राहगीरों को हो रही परेशानी। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद भोजपुर थाना क्षेत्र के हमीरपुर गांव से दलपतपुर को जोड़ने वाला यह मार्ग जर्जर हालात, बेबसी के आंसू रो रहा है। आपको बता दें, यह रास्ता करीब दर्जन भर गाँव को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है, जिसमें इस मार्ग के हालात जर्जर और गहरे गहरे सड़क में गड्ढे दिख रहे हैं। यहां से गुजरने वाले यात्रियों का कहना है कि काफी दिन से यह रोड जर्जर हालात में है। हल्की बूंदाबांदी होती है तो सड़क के गहरे गड्ढे पानी में तब्दील होकर सड़क में नजर आते हैं, जिसमें वहां से गुजरने वाले यात्री इन गहरे गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। दर्जनों गांव के राहगीरों को यहां से गुजरने में काफी दिक्कत होती है। गांववासियों ने बताया कि इस रोड को सुधारवाने के लिए हमने कई बार ग्राम प्रधान व ब्लॉक अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन ना ही ब्लॉक अधिकारी और ना ही ग्राम प्रधान इस पर ध्यान दे रहा है, जिसमें फिर से गांववासियों ने सरकार और प्रशासन से रोड को सुधारने की मदद की गुहार लगाई है, ताकि सड़क में जो गहरे गड्ढे हैं वह भर जाएं और रोड सुधर जाए, ताकि इस रास्ते से गुजरने वाले दर्जनों गांव के लोगों को कोई दिक्कत ना दिखाई दे। अपने बच्चों लेकर गिर गई हैं, सामान तक के लेकर गिरते हैं, इसकी कोई रोड की सुनवाई नहीं हो रही। कम से कम 3-3 फुट गहरे गड्ढे हैं इसमें। कब से हालात ऐसे हैं? इसके हालात पिछले साल से ऐसे ही हैं, 3 साल के लगभग हो गए। कितने गांव को जोड़ने वाला रास्ता है ये? गांव को जोड़ने वाला, ये तो बहुत गांव जुड़ते हैं इसमें। ये तो मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, जनता से वादा किया था उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, सड़कें गड्ढा मुक्त करा देंगे, तो उनके इस आदेश को आप क्या मानते हैं, क्या लगता है? हमें तो कुछ भी ना मानते, वो कुछ भी ना हो रहा उनसे, क्या हो रहा कुछ भी नहीं। झूठे आदमी है, झूठा काम कर रहे हैं सब, जितने काम कर रहे हैं उन्होंने क्या करा है? क्या मांग करना चाहोगे? हम मांग करना चाहते हैं कि हमारे जो रास्ता है ये सही होना चाहिए, नाले बनने चाहिए बढ़िया वाले, ऐसे का रोड पड़ना चाहिए जो बस्ती बस्ती में। कमर आलम भाई, ये जो हमीरपुर वाला रोड है, कितने गांवों को ये रोड जोड़ता है और इस रोड के कितने बुरे हालात हैं? इस रोड के इतने बुरे हालात हैं भाई साहब, पैदल का निकास भी नहीं है, कहाँ का तो बाइक का। बाइक में निकला था ये, अब थोड़ा सा पानी खुद तक उकाया है ना, तो इसमें 2 फीट पानी रहता है हर टाइम। क्यों? मोहल्ले वालों ने, गांव वालों ने इकट्ठा करके चंदा करके 15,000 का दो डंपर में मिट्टी डलवाई है। जाए दिक्कत देखी, दूसरे गांव के आने जाने वाले लोग ज़्यादा परेशान हुए, बच्चे उठते गिरती रहीं, कोई मेहमानदारी में जा रहा, कोई परेशानी में जा रहा, उनके कपड़े ख़राब हुए इन हालात में। ये हालात लगभग कितने गाँव को ये रास्ता? ये कम से कम 24-25 गाँव का कलिकास है। कहीं अधिकारी साहब ने मांग की है रास्ते? अधिकारी से उन्होंने, विधायक साहब ने किसी को बुलाया था, कोई से अधिकारी साहब को, वो नाप तोल करके ले गए, कह रहे हैं 15 दिन के अंदर अंदर काम चालू हो जाएगा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अंगूठा साइन उठे करके एप्लीकेशन लिख के हमने दे दी उन्हें। कौन सा गांव है ये? ये हमीरपुर। रोड में कितने कितने लगभग गहरे गड्ढे हैं? ये कम से कम 2-2 फीट, 1.5-1.5 फीट के गहरे गड्ढे हैं। कितना रास्ता जर्जर है ये? कम से कम ऐसा मानो 2.5 किलोमीटर तो बिल्कुल बेकार है। कोई मांग करना चाहेंगे अपनी? मांग ये करना चाह रहे हैं हम, किसी लब से भी कैसे हो जाए ये रास्ता हमारा सुधर जाए तो ज़्यादा बेहतर बात होगी। हाँ, थोड़ी सी हमारी सहूलियत हो जाएगी ना, तो हमारी ज़िंदगी बेकार है, एक जगह रहना।